अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फॉलोअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स। आरी मंशा एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आप ऑल राउंडर व्लॉग यूट्यूब और ऑल राउंडर व्लॉग फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 10 मल्ले का मेरा ऑन प्रोजेक्ट है। ये 2 महीने पहले शुरू किया था और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, टाइल्स वर्क शुरू हो गया, सीलिंग हो गई है। 2 महीने की प्रोग्रेस है। मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला सका क्योंकि मसरूफियत इतनी है। इस घर की प्रॉपर 7 से 8 वीडियोज़ आएंगी तो आपने वो ज़रूर वॉच करनी है। 10 मल्ले कैटागरी का ये घर है, 35 पैंट का, 6 बेडरूम का। तो ये मेरा फास्ट सेयर का प्रोजेक्ट है मरगजार ऑफिसर कॉलोनी में। आपने अगर ये घर ख़रीदना हो तो आप हमसे डील कर सकते हैं। ऊपर मेरा फ़ोन नंबर पता आ रहा है ऑफिस का, आप मुझसे आके मिल सकते हैं जी। अब नाजरीन आप देख लें, ये हमारे जो वर्कर हैं, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने ये घर 2 महीने में मुकम्मल किया है। अभी इसकी फिनिशिंग का काम जारी है। तो आते हैं जी गेट की तरफ से शुरू होते हैं। ये CNC का गेट हमने जदीद लेटेस्ट गेट ये लगाया है। ये आपके सामने, इसके पीछे अभी फैब्रिकेशन होनी है और ये बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है। ऊपर बहुत ही यूनिक स्टाइलिश है, जैसा कि आपने मेरा पिछले वाला घर देखा है। कल उसकी 27 एपिसोड आई थी, बुनियादों से लेके एंड ऑफ द फिनिशिंग तक। आप वो भी वॉच कर सकते हैं ऑल राउंडर व्लॉग चैनल पे जाके, आपको अंदाज़ा हो हमारे काम का। ये हम सोशल मीडिया पे लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने इस कैटागरी का A+ का घर हमसे बनवाना है, मंशा बिल्डिंग कंपनी इंटीरियर एक्सटीरियर एंड किचन, तो ये सारा हम काम करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अगर आपने ये काम करवाना है आप ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अब आते हैं जी ये घर की तरफ। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस होते ही ये 3 गाड़ियों का ये गिराज है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये 3 गाड़ियों का ये गिराज है। इधर सामने अभी वॉल पर डिज़ाइनिंग होनी है। ये 6x6 की खिड़कियाँ, ये ड्राइंग रूम की खिड़की है, ये आगे किचन है। तो सेंट्री की GAC सारा काम इधर हो चुका हुआ है। ये निशे दी हैं, ये 4x5 की निश है। इस पर भी बड़ा अच्छा यूनिक, जैसा कि पीछे आपने मेरा घर देखा है उस तरह का वर्क होगा। इधर ये रोशनी के लिए 3 फुट बाई 7 फुट के ये हमने शीशे मिरर फिक्स लगाने हैं। अभी जिधर मैं खड़ा हूँ ये एंट्रेंस है, डबल डोर की एंट्रेंस है। इधर 7 पाउडर रूम है और जैसे ही एंटर होते हैं इसका नक्शा देखें। ये नक्शे के मैं 12-14 घर फार सेल कर चुका हूँ। बहुत ही यूनिक अच्छा ये नक्शा और पसंद करते हैं लोग। अब ये आप इधर जैसे आते हैं ये देखें कितनी ओपन स्पेस है। अगर आपने एक पोर्शन रेंट आउट करना है, ये आपका अंदर का दरवाज़ा हो गया, ये बाहर का हो गया, उधर वैनिटी आ जाएगी। ये देखें आपने अगर कोई हाथ मुँह कोई मेहमान आता है धोना है, इधर 7 पाउडर रूम है। अच्छा ये एंट्रेंस होगी। आप अंदर जैसे ही आते हैं तो ये टीवी लॉन्च है, बेहतरीन इसकी सीलिंग, बेहतरीन डिजाइन। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ वर्क, जो ये देखे टाइल्स हम लगा रहे हैं, बड़ी यूनिक बड़ी अच्छी टाइल्स हमारे वॉशरूम में ये शुरू हो चुकी हुई है। तो ये अब मैं आपको ऊपर सबसे पहले सीलिंग का डिजाइन दिखाता हूँ। सोबर सीलिंग और बिल्कुल अच्छे सिंपल से डिजाइन रखे इस दफा। तो ये आपके सामने टीवी लॉन्च का साइज, हर चीज़ का साइज बड़ा ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप देख लिया आपने ड्राइंग रूम। इसके साथ आएंगे तो ये देखें, ये किचन है हमारा। ये मेन डोर 5 फुट का हमने डबल डोर लगाया और बड़ा ही ज़बरदस्त ये देखें ये किचन। इसकी कल स्लैपें भी हमने डाली हैं और ये चूल्हे का साइज है, इधर चूल्हा आएगा। ये मैं अपनी 12 वीडियो में बता चुका हूँ, फर्श से आपने 30 इंच ये स्लैब रखनी है नीचे, ये फर्श से इधर मेरा हाथ है, इधर से लेके इधर 30 इंच तैयार है आपके, 31 या 32 इंच तैयार मार्बल लगा के स्लैब होनी चाहिए। और ये देखें ये सिंक है, इधर हम सिंक इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सिंक के पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया और इसके नीचे गैस का पॉइंट आपने ज़रूर छोड़ना है, ये देखें वो आपको नज़र आ रहा होगा, गैस का पॉइंट भी हमने दिया। ये होगा जी वो किचन। आप टीवी लॉन के आगे, जैसा कि आपने अक्सर घरों में नक्शा देखा होगा, नीचे स्टोर रूम नहीं होता, हमने ये बड़ा स्टोर रूम ये दिया है और ये खुद के हमारे अपने इजाद करदा नक्शे हैं। ये आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह,
ये स्टोर रूम हो गया। अब आते हैं जी ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर से भी है, अंदर से भी डबल डोर लगा दिया मैंने। तो ये देख लें, ये सीलिंग का डिज़ाइन, छत से मैं शुरू होता हूँ। सोबर प्यारा ज़बरदस्त डिज़ाइन इसमें अभी वर्किंग होनी है। और ये निश है, सामने मिरर है, इधर लगेगा। तो ये ड्राइंग रूम का आप व्यू देख रहे हैं। ये हमारी खपरेल है जो ऊपर लग रही है। अब आगे इधर से निकलते हैं, पीछे देखें मैं आपको एक चीज़ बड़ी ही यूनिक चीज़ दिखाने लगा हूँ, आप ये नोट करें। ये कमरे की एंट्रेंस है, बड़ी ही यूनिक ज़बरदस्त एंट्रेंस बनाई है। ये नीचे दो बेडरूम है और मास्टर बेडरूम है। अब ये देखें इधर सामने ये निश का डिज़ाइन है, नीचे भी निश है, साइड में भी फुट बाई चार फुट की निशें हैं। अभी इन पर वाल पेपर टाइल्स जो भी मैं एंड में फिनिशिंग करूँगा आपसे शेयर करूँगा। 7-8 वीडियो आपने वॉच करनी है, आपको अंदाजा होगा ये घर कितना प्यारा बन रहा है। अब आगे आए, ये बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है। इसमें अभी काफी हमारा काम हो रहा है। इधर देखें, अब मैं आपको वॉशरूम की तरफ लेके आता हूँ। जैसा कि बारहा मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ कि आपने बाथरूम के पॉइंट्स कैसे रखने हैं, किचन के पॉइंट्स कैसे रखने हैं, नोट दिस। ये अब मैं जिधर खड़ा हूँ ये गर्म और ठंडे का पॉइंट है, ये इसका ड्रेन है वैनिटी का, बेसन का लगा लें, वैनिटी लगा लें, इधर वो आप रेडीमेड वैनिटी लगा लें, इधर आपके मिरर आएगा, ये ऊपर लाइट है, ये हो गया। उसके बाद ये एक मोड़ है हमारा, इधर हमने नीचे एक वॉशरूम में कमोड़ दिया, एक में WC दी है। ये कमोड़ हो गया, ये उसका पॉइंट हो गया। अब ये आपका जो है ना, इधर इधर कमोड़ का वो लगेगा मुस्लिम शावर। ये जो पॉइंट है गर्म ठंडे के, ये पॉइंट नहाने के लिए, इधर आपका शावर आएगा। और ये नीचे देखें, ये स्लोप हम देंगे, ये नीचे ड्रेन है। ये पॉइंट देखें, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं ये समझने के लिए। ये 5x7 का वॉशरूम है जिधर मैं खड़ा हूँ, इसमें ऑल हमने पॉइंट दिए हैं, हर तरह की एक्सेसरी लगाएंगे। और ये देखें, ये निश है 2x3 फीट की, ये निश है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करेंगे, ये लाइट भी हमने दी है, तो आपके सामने ये जी। अभी हमारे ये देख लें, ये फ्रंट की खिड़कियों में पिलर्स भी बनने हैं, ये उनकी डिज़ाइनिंग है। मैं आपको ये इसलिए वीडियो बना के दे रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि इंशाल्लाह ये काम किस पर्पज़ पे, किस नवीयत पे जा रहा है। ये हमारी WC सीटें आई हुई हैं। ये वॉशरूम हमारा जो दूसरा, इसमें भी पॉइंट देख लें, इसमें भी अभी टाइल इंस्टॉल होने लगी है। वॉशरूम का साइज भी बहुत ही ज़बरदस्त खुला डुला वॉशरूम है जी। जैसा कि मैंने आपको ये ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू दिया है, अब हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ। ये हमने 8x5 की ये निश भरी दी है, इसमें हम वॉल पेपर इंस्टॉल करेंगे। और ये हमारे बहुत ही माया नाज सीनियर मिस्त्री, इधर आओ इधर, ये इनका भी आपको इंटरव्यू आते हैं। ये हम इधर आओ इधर, इधर ये टाइल पत्थर सारा ये वर्क कर रहे हैं हमारा, जितना फिनिशिंग है। अबू बकर साहब, ये जी इधर आए, इधर ये जी अबू बकर साहब है हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं बहुत वर्कर्स हैं मंशा बिल्डिंग कंपनी के पास, लातदाद वर्करों में से एक इनका नाम है, बड़ा अच्छा काम करते हैं ये, किसी तारफ के मोहताज नहीं। ये हमारा 9 साल से हमारी इस कंपनी से वाबस्ता है जी। अबू बकर साहब, ये अब आप फ्लोरिंग लगा रहे हैं, वॉशरूम लगा रहे हैं, कितने दिनों का काम है जो आपने ये करके देना खत्म? इंशाल्लाह ये मेरा तो आपको एक महीने का हो गया है, 20-25 दिन का इंशाल्लाह ये काम है। इंशाल्लाह कोशिश है कि महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाए जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में ऊपर पूरा, इन्होंने पूरा मार्बल लगा दिया छत पे। अभी ये सारी चीजें फिनिशिंग हमारी आ चुकी हुई है, आपको कोई मटेरियल में तो दिक्कत नहीं होगी, मटेरियल वाफर मिल रहा है। ये देखें जी, मटेरियल होगा, काम होगा, नहीं तो लेबर पड़ेगी। अच्छा, जैसे ही हम आते हैं ये आजे, जैसे ही आते हैं ये देखें, ये एंट्रेंस है और ये हम अब फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हुए हैं। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो 27 वीडियो उसका देखा, ओपन किचन है, ये देख रहे हैं आप, ओपन किचन है। ये मैं आपको सारा इसका आधार हूँ, ये आप देख लें बेहतरीन। ये हमने इसके ऊपर स्लैपे डालने हैं, इधर टॉल यूनिट आएगा ये, जिधर आपको नीला सा डब्बा नजर आ रहा है, और इधर डबल सिंक है, ओपन किचन ये यू शेप का, ये यूवी सुपर ग्लास में हम तैयार करेंगे, इसकी भी वीडियोस आपके पास आएंगी। तो ये देख लें, ये अब ऊपर
सीलिंग हमारी इंशाल्लाह एक दो दिन तक शुरू हो जाएगी, नीचे सारी हो गया क्योंकि वो मटेरियल ईद गई है, शॉर्टेज हो गया इस वजह से, नहीं तो ऊपर की सीलिंग भी मुकम्मल हो जानी थी। ये जी हमारे सीलिंग वर्कर्स, ये हमारी लेबर आपके सामने है, हेलो करो, ये देख लें जी, ये बड़े ही अच्छा काम करते हैं, मेहनती लोग हैं। ये वॉशरूम ऊपर फ्रंट का, इसके भी पॉइंट हमने जिधर जिधर देने थे वो हमने निकाल के हमने इंस्टॉल कर दिया। इधर हमारी जो है ये आएगी वार्डरोब, अंडरग्राउंड एल शेप की वार्डरोब काफ़ी बड़ी ये हमने दी है। ऊपर है तीन बेडरूम, सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक एक बेडरूम है, छह बेडरूम का ये घर है। अब ये देख लें, इधर हमने ये पार्टीशन है, इधर एक कमरे की अलमारी उधर आएगी, एक इधर, इससे जगह भी आपकी ज़ाया नहीं होगी और आपके कमरे की जो है ना स्पेस वो खुली रहेगी। ये निशो का डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। अब आगे आए, ये वॉशरूम कल हमारे मिस्त्री साहब ने ये शुरू किया था 3 घंटे में, अबू बकर साहब ने, इतना आएंगे अबू बकर, ये देखें अबू बकर साहब, ये जो आपने डिज़ाइन शावर पे दिया है ये खुद से बनाया है जी? जी, अभी इधर आप निशे वगैरह वो वैनिटियां भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके पास स्टेप बाई स्टेप सारा अबू बकर साहब का काम आएगा। ये देख लें वॉशरूम का कलर, इसकी कलर स्कीम एवरी कलर में और डार्क मोटिव इसमें लगाए हैं, बेहतरीन ये हमने वर्क किया आपके सामने है। आज दूसरा वॉशरूम भी लग जाएगा जो साकेट जी, ये निशे है वॉश बेडरूम की। Okay. जी प्यारे नाज़रीन, इसके साथ इस वीडियो के साथ मोहम्मद आरिफ मंशा को ऑलराउंडर व्लॉग चैनल से यूट्यूब और फेसबुक से इजाज़त दे। ये जी हमारे वर्कर्स जो अंतक मेहनत के साथ इन्होंने 2 महीने में ये प्रोजेक्ट शुरू किया, आप शहर लाहौर से हैं या लाहौर से बाहर हैं, आप मर्दान हैं, स्वात हैं, आप मरी में हैं, आप इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, आप हमसे काम करवा सकते हैं। हम विद मटीरियल में सारा ठेका लेते हैं, उसका पर स्क्वायर फीट का रेट है। अब ये जो प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हूँ इसका ग्रे स्ट्रक्चर का हम ले रहे हैं 3000 रुपया पर स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, ठीक है। इसकी 2.5 फुट बाई 2 फुट की बुनियादों की फाउंडेशन होगी, ए प्लस में काम होगा, आरसीसी लैंटर होंगे, ये भी नोट कर लें। तो बाकी अगर आपने फिनिशिंग तक काम करवाना तो वो फिर आपका नक्शा, आपका सारा प्लान देख के आपने मटेरियल कौन सा लगवाना है, वुड वर्क कौन सी करवानी, टाइल कौन सी लगवानी है, ये सारा कुछ करके फिर आपका रेट बनेगा पर स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया का। जी ये सारे वर्कर्स हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से इस घर को 2 महीने में कंप्लीट किया, बाकी 2 महीने और लगेंगे फिनिशिंग पे इंशाल्लाह। ये फिर हमारा फायर सेल के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार है, जैसे जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।